हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रांत गुप्ता, एचओडी कंप्यूटर साइंस भूपनास महाविद्यालय। और हर बार की तरह इस बार भी हम जो कंफ्यूजन जो हमारे माइंड पे रहती है कि कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें क्या डिफरेंस है। बड़े बड़े लोगों को, किसी को भी आप पूछ लेते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को आप पूछते हैं, तो वो जनरली उसके माइंड पर एक कंफ्यूजन बनी रहती है कि आईटी क्या है, व्हाट इज आईटी। तो आईटी का फुल फॉर्म जो होता है, हम जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक जो सूचना प्रणाली का उपयोग कर रही है, यानी किसका उपयोग कर रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज कर रही है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या हो रहा है? सूचना प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो एक संगठन के अंदर के व्यक्तियों को और बाहर के लोगों को सूचना प्रदान करने का कार्य कर रही है। तो ओवरऑल आईटी जो होता है, आज हमारा बूम सेक्टर है, हर कोई हर क्षेत्र में आईटी का यूज किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जो होती है, पहला होता है डेटा, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, बिना डेटा और इंफॉर्मेशन के हम अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेटा मतलब होता है, डेटा इज अ फैक्ट एंड फिगर, दैट मींस एनी नेम, नंबर, कैरेक्टर, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, डाटा, तथ्य या आकृति या आंकड़ा जिसको हम कहते हैं, जिसमें नाम, अक्षर, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, इट इज अ रॉ मटेरियल। अगर हम बात करते हैं तो एक रॉ मटेरियल की तरह होता है जिसको यूजर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कलेक्ट करता है। और इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस द डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा व्हाटएवर रिजल्ट यू गेट दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा के प्रक्रियान्वयन के पश्चात जो परिणाम हमको मिल रहा है वही सूचना कहलाती है। तो बेसिकली जो इसका यूज हो रहा है वो आईटी का यूज हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है डाटा टू एक्सेस, यानी डेटा को एक्सेस करने की, एक्सेस डेटा भी बोल सकते हैं हम, डेटा को एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना सूचना को, ताकि आप इन फ्यूचर आप उसका इस्तेमाल करके किसी भी नए प्रोडक्ट्स को बना सके या अपने लाइफ को आप स्ट्रेस फ्री कर सके। डेटा एनालिसिस करना, डाटा का विश्लेषण करना, ताकि आप एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सके। इंफॉर्मेशन सिस्टम को एग्जीक्यूट करना, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आईटी एग्जीक्यूट द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां पर देख सकते हैं आप कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में 2022 में जो उसका आईटी का जो जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, वो टोटली 8% का था, ठीक है, जबकि 2004 में ही आईसीटी भी इंक्लूड कर लिया गया है इंडिया के, और आप कर लिया गया था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर सामने बात आती है कि जिस आईटी की हम बात कर रहे हैं, वो आईटी का यूज हम क्यों कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सके और आगे इन फ्यूचर जो इंटरनेशनल लेवल पर हम अपने आप को स्टैंड कर सके, वहां पर नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अध्ययन करके हम अपने विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को उपयोग कर सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी सुविधा आपको आईटी प्रोवाइड कर रहा है। आईटी सेक्टर के विकसित होने से हमारे जो देश है वो विकास से विकसित बनने की ओर जा रहा है। जैसे सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्या पहले आपको अगर रेल टिकट बुक करनी होती तो आपको प्लेटफॉर्म में जाना पड़ता था, वहां पर घंटों लाइन में लगना पड़ता था और तब आपको टिकट बुक करनी पड़ती थी, तब जाकर आप टिकट बुक कर पाते थे। लेकिन आज आईटी की सहायता से हम उसका एप्लीकेशन से पर्टिकुलर उसका यूज करके आप कर रहे हो, ऑनलाइन घर बैठे आप रेलवे टिकट बुक कर पा रहे हैं, रिजर्वेशन करा पा रहे हैं, वैसे एयरलाइन टिकट भी आप बुक कर पा रहे हैं। एयरलाइन में भी आपको कई प्रकार की जो समस्याएं होती थी वहां जाकर के आप बुक कराने में, वो चीज नहीं करनी पड़ती, घर बैठे आप बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सक रहे हैं। अगर आज आपको कहीं भूख लग रही है तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, आप घर पे ही घर बैठे आप एप्लीकेशन का यूज करके, जोमेटो, स्विगी इत्यादि का यूज करके आप क्या कर सकते हो, फूड डिलीवरी का ऑर्डर दे सकते हो और घर बैठे आप उसको मंगा सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग वगैरह भी कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐप है आपके सामने, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन से मीशो है, जिसकी सहायता से आप क्या कर रहे हो, घर बैठे आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग परचेसिंग का काम भी कर पा रहे हैं, जिसको अपन ई कॉमर्स या फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, आज आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, आप घर बैठे उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद एक इंटरनेट बैंकिंग का यूज करना, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके आप देख रहे हैं आप कैशलेस जो है कार्य कर पा रहे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में डेटा दैट मींस कैश ट्रांसफर कर पा रहे हैं, आप पैसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं, वहां से आप पैसा मंगा पा रहे हैं, आप
ईवीएम की सहायता से जाकर के जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है उस मशीन से 24x7 आप पैसा निकाल सकते हो, डिपॉजिटर की सहायता आप पैसा जमा कर सकते हो, 24x7 आप कर सकते हो, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, यूपीआई की सहायता से आप पैसा को दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, है ना, बिलिंग कर सकते हो। उसके बाद है आईटी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक ऐसी सर्विस है जिसकी सहायता से आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप मेल को सेंड कर सकते हैं, जबकि आपको मैनुअल लेटर लिखने में हो सकता था मैनुअल लग जाता था पहुंचने में, लेकिन आज ईमेल पर सकते हैं, आपका ईमेल एक अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाता है, तो ईमेल भेज सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स, आप जान रहे हैं कि आज किसान का जो ऑनलाइन भू रिकॉर्ड्स जो है, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि किसकी जमीन का कितना दायरा है ना, जिसमें खसरा वगैरह नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आईटी सेक्टर के कारण ही संभव हो पाया है। आईटी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को, जैसा मैं बताया था कि स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, आप विभिन्न प्रकार की जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है उसका इस्तेमाल घर बैठे कर पा रहे हैं। तो ये जो आईटी है एक्चुअल में इसका जो संचालन करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो टीसीएस से इसकी शुरुआत 1976 और 77 के बीच में जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, इसने ही आईटी की नींव भारत में रखी थी, ठीक है, वहां पर से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद इंफोसिस आया, इंफोसिस के बाद विप्रो, विप्रो एससीएल, और इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये सभी आईटी सेक्टर्स में काम करने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ताकि आप अपने कार्य को आसानी से, सुविधाजनक तरीके से और सूचना का यूज करके आप लेटेस्ट जानकारी को हासिल कर सके। तो ओवरऑल इसका जो यूज है, डाटा को एक्सेस करना आसानी से और सूचना का उपयोग करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना और नई नई चीजों की जानकारी हासिल करना ही, जो किसके द्वारा संभव हो रहा है, जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, फोन टाप है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, आपका स्मार्ट बोर्ड्स है, इन सब का यूज करके आप क्या कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है इसका, ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आईसीटी के बारे में बताऊंगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।